हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? विजन यूपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पार्ट थ्री मिनरल रिजर्व्स इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। भारत में कौन सा रिजर्व कोयले में, बॉक्साइट में, गोल्ड में, अतिरिक्त के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी आपको वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको तुरंत प्राप्त हो सके, ताकि आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत ना हो सके। और दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ये खासकर इस समय जो 24 सितंबर को होने वाले UPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रिलेटेड 3 से 4 से 5 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये मैं इन सारे वीडियो को 4 पार्ट में, इसके पहले 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ और ये अगला, आज ये तीसरा पार्ट होगा और 1 पार्ट और आएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सब इसको पसंद करेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मिनरल रिजर्व्स इंडिया आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, तो इसमें देखते हैं। पहला दोस्तों, इसमें आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि एक है स्टोरेज में, और जैसे कोयला, कोयले में स्टोरेज में कौन राज्य पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है। और वहीं यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कोयले में ही प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पे है, यानी सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप भी ऐसे ही चाहें नोट करना चाहेंगे तो ऐसे नोट कर सकते हैं, बहुत आसानी होगी याद करने में और समझने में भी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कोयला पहला है दोस्तों, कोयला, कोयले के स्टोरेज में पहला स्थान है झारखंड, दूसरा स्थान है उड़ीसा, तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़, और प्रोडक्शन में पहला स्थान है छत्तीसगढ़, दूसरा स्थान है झारखंड, तीसरा स्थान है उड़ीसा। अगर बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट में पहला स्थान है उड़ीसा का, दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का, तीसरा स्थान है गुजरात का। और वहीं प्रोडक्शन में पहला स्थान है उड़ीसा का, दूसरा स्थान है गुजरात का, तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का। अगर गोल्ड की बात करें, सोने की बात करें, तो पहला स्थान है स्टोरेज में कर्नाटक, दूसरा स्थान है स्टोरेज में राजस्थान, तीसरा बिहार। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो पहला स्थान है कर्नाटक, दूसरा स्थान है झारखंड, तीसरे स्थान की जरूरत नहीं है। अगर ग्रेफाइट की बात करें तो पहला स्थान है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा स्थान है जम्मू कश्मीर, तीसरा स्थान है उड़ीसा, ये स्टोरेज है। अगर ग्रेफाइट में ही उत्पादन में बात, सबसे ज्यादा उत्पादन तमिलनाडु में होता है, दूसरे स्थान पे झारखंड, तीसरे स्थान पे उड़ीसा। अगर लौह अयस्क की बात करें तो पहले स्थान पे है कर्नाटक, दूसरे स्थान पे उड़ीसा, तीसरे स्थान पे है झारखंड। वहीं लौह अयस्क में प्रोडक्शन की बात करें तो पहले स्थान पे उड़ीसा, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पे है कर्नाटक। जिंक, यह जिंक की बात करें तो जिंक में पहले स्थान पे है राजस्थान, स्टोरेज में दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, तीसरे स्थान पे है MP। अगर उत्पादन में बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, फिर जम्मू एंड काश्मीर। अगर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज में पहले स्थान पे है उड़ीसा, दूसरे स्थान पे है कर्नाटक, तीसरे स्थान पे है MP। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो पहले स्थान पे आता है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे आता है MP, तीसरे स्थान पे आता है उड़ीसा। कच्चे तेल की बात करें तो पहले स्थान पे आता है असम, दूसरे स्थान पे आता है गुजरात। और वही प्रोडक्शन में बात करें, कच्चे तेल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में, दूसरे नंबर पे है गुजरात। डायमंड की बात करें तो पहले स्थान पे आता है MP, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़। और दोस्तों, इसका प्रोडक्शन का मुझे नहीं मिल पाया है दोस्तों, जब मिलेगा तो उसको भी मैं बता दूंगा। तांबे, तांबे की बात करें तो पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे स्थान पे झारखंड, तीसरे स्थान पे MP। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो पहले स्थान पे MP है, दूसरे स्थान पे राजस्थान है, तीसरे स्थान पे झारखंड है।
वहीं अब बात करें दोस्तों सिल्वर, ये है सिल्वर। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में पहले स्थान पे है राजस्थान, दूसरे स्थान पे झारखंड, तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो पहले स्थान पे है राजस्थान, दूसरे स्थान पे है कर्नाटक। प्राकृतिक गैस की बात करें तो पहले स्थान पे है असम, दूसरे स्थान पे है गुजरात। और उत्पादन में बात करें तो असम पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे गुजरात। अगर डोलोमाइट, डोलोमाइट की बात करें तो स्टोरेज में पहले स्थान पे एमपी, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़। वहीं अगर प्रोडक्शन की बात करें तो पहले स्थान पे छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पे तेलंगाना, तीसरे स्थान पे उड़ीसा। क्रोमाइट की बात करें, क्रोमाइट की बात करें तो पहले स्थान पे है प्रोडक्ट स्टोरेज में उड़ीसा, दूसरे स्थान पे है मणिपुर, तीसरे स्थान पे है नागालैंड। पहले स्थान पे उड़ीसा, दूसरे स्थान पे कर्नाटक है प्रोडक्शन में। अगर फेल्स पार की बात करें तो पहले स्थान पे है राजस्थान, दूसरे स्थान पे है तेलंगाना, तीसरे स्थान पे है आंध्र प्रदेश। अगर वही प्रोडक्शन की बात करें तो पहले स्थान पे है राजस्थान, दूसरे स्थान पे है तेलंगाना, तीसरे स्थान पे है आंध्र प्रदेश। फेल्स पार के स्टोरेज और प्रोडक्शन दोनों सेम है, इसलिए याद करने में आसानी होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल दोस्तों तीसरी वीडियो प्राप्त हो जाएगी आपको। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।